हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो है गोवर्धन का पनीर। आपने पहले मेरे वीडियोस पर डिफरेंट और पनीर के रिव्यूज देखे होंगे, उसमें आज मैं एक नया रिव्यू लिख रहा हूँ गोवर्धन का पनीर। गोवर्धन इनफैक्ट वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन द प्राइवेट सेक्टर मिल्क का जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें फर्स्ट प्लेयर था। 1992 में इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। इनके को फाउंडर हैं मिस्टर देवेंद्र शाह, और ये इन्होंने मंचार महाराष्ट्र में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और ये 2004 तक पराग स्किम्ड मिल्क पाउडर के नाम से इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर थे, पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि दूध की कमी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अब ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पनीर है। इनके तीन ब्रांड के नाम से आते हैं, एक तो है गोवर्धन जो प्रोड्यूस करता है मिल्क बटर पनीर, जो कॉटेज पनीर होता है वाइट वाला, देसी घी ये प्रोड्यूस करता है। फिर इनका गो के नाम से एक ब्रांड आता है जो चीज़ मिल्क लस्सी और छाछ प्रोड्यूस करता है, मतलब जिसके मार्केट में भी ये प्रोडक्ट्स आते हैं। और फिर इनका एक आता है अवतार जो एक प्रोटीन पाउडर है। इनका एक और ब्रांड नेम से आता है प्राइड ऑफ काउस, ये वाला जो मिल्क है ये सिंगापुर में एक्सपोर्ट होता है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ मिल्क है सिंगापुर में, और डेली इनका एयरलिफ्ट होता है काउ का मिल्क सिंगापुर के लिए, फ्रेश काउ मिल्क जो होता है। और टॉप अप नाम से एक ब्रांड होता है जिसमें ये फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं। जैसे ये पनीर है वाइट पनीर, ये काउ के दूध से बना हुआ है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ये सारी यहाँ लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और टच करने से ही बहुत सॉफ्ट लग रहा है। 25 ग्राम की पर 25 ग्राम की सर्विंग है 8 लोगों के लिए, और 79 किलो कैलोरीज इसके अंदर एनर्जी है, और फैट है 6.3% जिसमें सैचुरेटेड 4.0 ग्राम है, 0.25 ग्राम्स ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल है 0.25 ग्राम्स मिलीग्राम्स, नमक है, सोडियम है 1.25 मिलीग्राम्स, कार्ब्स इसमें 0.05 ग्राम्स है, शुगर न प्रोटीन्स हैं इसमें 4.5 ग्राम्स, मतलब जो कैल्शियम की जो ये कैल्शियम और प्रोटीन्स की जो कमी होती है, लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो सारी प्रोटीन्स की कमी, इसमें हाई रिच प्रोटीन्स होती हैं, आप ये ले सकते हैं। और ये लगभग 3 महीने तक रहता है रेफ्रिजरेटर, अगर ये इसका पैक ना खोला जाए, क्योंकि मेरे पास जो पैकेट आया उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 3 जनवरी 2021 और बेस्ट बिफोर है 28 मार्च 2021, मतलब आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 2.5 महीने से भी ऊपर इसका है। पर इसके बाद लिखा हुआ अगर एक बार पैक खोल दें तो ये आपका 2 दिन के अंदर आप इसको कंज्यूम करें। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंपनी का नाम है पराग मिल्क फूड्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए हम इसको खोल के देखते हैं और टेस्टिंग करते हैं कैसा है ये पनीर। हाँ, एक चीज़ और, ये 85 रुपीज़ का है या प्राइस लिखी हुई है, मेरे को ग्रोफर्स में ये 85 का मिला, वैसे बिग बास्केट में की प्राइस अलग है, वो 78 का है, अमेजोन में 75 का है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्राइस मिलती है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलिए ये पैकेट को मैंने खोल दिया, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। देखिए काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है ये, खा के देखते हैं इसको थोड़ा। जो अब तक पनीर किए हैं द बेस्ट पनीर है ये, द बेस्ट पनीर। सॉफ्ट, कोई फैटी सब्सटेंस ऊपर में नहीं आ रहा, और इतना नरम और मुलायम पनीर है लाइक टोटली, मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि यही पनीर आए हमारे पास, क्योंकि बहुत ही अच्छा पनीर है। एक पहले भी हम पनीर खा चुके हैं, वो डिफरेंट ब्रांड का, वो बाद में करूँगा, वो भी मेरे को अच्छा लगा था, पर ये मेरे को उसी के एट पार लगा है। बहुत अच्छा पनीर है, मस्ट रिकमेंड। और 200 ग्राम का ये आता है, 85 रुपीज़ का है ये। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर देते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। और ये देखिए, ये गोवर्धन का घी भी आता है, इनका बटर भी आता है, मैं बता चुका हूँ, दही सब कुछ आता है इसका। बहुत स्वाद पनीर है, बहुत ही टेस्टी पनीर है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, बहुत ही मज़ेदार, बढ़िया, बेहतरीन पनीर मैं कहूँगा, टॉप नंबर वन। आई होप आपको ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।